हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों, अज दे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन सारे दोस्तों ने एक बार जरूर रीड आउट कर लेने चाहिए ने। अज दा अपना टॉपिक है POC SO Act। ये एक्ट छोटी उम्र के बच्चों तो लैके 18 साल के बच्चों तक उन्हों की प्रोटेक्शन करता है। सो देखते हैं इस विच कि क्वेश्चन बनते हैं। एक होर बेनती, वीडियो जरूर लाइक कर दिया करो। सो अज का टॉपिक शुरू करते हाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, POCSO का पूरा नाम की है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें रीड आउट कर लेना। इसका सही आंसर है नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, POCSO Act कदों शुरू होया? इस दे ऑप्शन हैं 2012, 2014, 2016 या 2010 विच। ये एक्ट शुरू होया जी 2012 दे विच। नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट जिस्मी अपराध के विरुद्ध किन्ने साल की उम्र के अधीन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? 13 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक, 17 साल की उम्र तक या 18 साल की उम्र तक के बच्चों को यह सुरक्षा प्रदान करता है जी? 18 साल की उम्र तक के बच्चों की। नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट ने लिंग की सहमति की उम्र नूं 16 साल तो बढ़ा के किन्ने साल कर दिती है? इस दे ऑप्शन हैं 17 साल, 18 साल, 19 साल या 20 साल। इसकी उम्र 16 साल तो बढ़ा के कर दिती है जी 18 साल। नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट उस व्यक्ति ते कानूनी फर्ज निभाउंदा है जिसनूं यह पता हुंदा है कि एक बच्चा जिस्मी शोषण का शिकार होया है अते उस अपराध की रिपोर्ट पुलिस नूं करनी है। जे वह अजिहा करन विच असफल रहिंदा है तां उसनूं किन्ने महीनों की सज़ा, कैद या जुर्माना किया जा सकता है? इस क्वेश्चन विच पुछया गया है कि जेकर किसी व्यक्ति ने बच्चे नाल शरीरक शोषण होंदे देखे अते उसने पुलिस नूं रिपोर्ट नहीं करी तां उसनूं किस तरह की सज़ा दी जा सकती है? इस दे ऑप्शन हैं 2 महीनों की, 3 महीनों की, 4 महीनों की या 6 महीनों की। उस व्यक्ति नूं सज़ा हो सकती है जी 6 महीने तक की। नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट के अनुसार बच्चों नाल सैक्स शोषण की रिपोर्ट प्राप्त होने तो बाद पुलिस नूं किन्ने घंटों विच CWC नूं मामले की रिपोर्ट पेश करने की लोड़ हुंदी है? इस दे ऑप्शन हैं 10 घंटों विच, 20 घंटों विच, 24 घंटों विच या 18 घंटों विच। ये रिपोर्ट पेश करनी होंगी है जी 24 घंटे के अंदर अंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट विच कहा गया है कि बच्चों नाल जिस्मी शोषण के केस का अपराध होने की खबर तो बाद ही किन्ने समय विच उसका निपटारा कर दिता जाना चाहिए है? 1 साल विच, 6 महीनों विच, 9 महीनों विच या 3 महीनों विच? इसका निपटारा कर दिता जाना चाहिए है जी 1 साल के विच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किहड़े केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बच्चों नूं जिस्मी अपराधों तो बचाने लई पोक्सो ई बॉक्स की शुरुआत की गई है? इसके ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय, महिला अते बाल विकास मंत्रालय, समाजिक न्याय अते अधिकारिता मंत्रालय।
पोक्सो ई बॉक्स की शुरुआत की है जी महिला अते बाल विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय कैबिनेट ने पोक्सो एक्ट के आर्डिनेंस को हरी झंडी दे दी है जिस विच 10 साल तो घट उम्र के बच्चे के नाल बलात्कार करने के दोषी नूं मौत की सज़ा दी जाएगी। इस दे ऑप्शन हैं 8 साल तो घट, 9 साल तो घट, 11 साल तो घट या 12 साल तो घट उम्र के बच्चे नाल। इसका सही ऑप्शन है नंबर डी। जेकर 12 साल तो घट उम्र के बच्चे नाल बलात्कार होता है तो उसनूं मौत की सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट बच्चों के विरुद्ध बचाव करता है। इस दे ऑप्शन हैं जिस्मी शोषण, अश्लील तस्वीर, जिस्मी परेशानी या उपरोक्त सारे। इसका सही आंसर है नंबर डी, उपरोक्त सारे। ये तिना तो रक्षा करता है, जिस्मी शोषण तो, अश्लील तस्वीर तो, जिस्मी परेशानी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेठां लिखिया विचों केड़ा बयान पोक्सो एक्ट 2012 बारे सही है। इस दे तीन कथन दिते गए हैं। कथन नंबर एक देखो, ये 14 साल तो घट उम्र के व्यक्तियों विरुद्ध जिस्मी अपराधा नाल संबंधित है जिन्हां नूं बच्चे मन्या जाता है। कथन नंबर दो, इस मकसद लई विशेष अदालत अते विशेष सरकारी वकील नामजद किए गए हैं। ये सही है। कथन नंबर तीन, इस एक्ट के तहत सिर्फ जिस्मी शोषण अते जिस्मी परेशानी कवर होंगे हैं। ये भी कथन सही है। इसका सही आंसर है जी नंबर सी, कथन नंबर दो अते तीन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोक्सो एक्ट बारे सही बयान की है। इस दे तीन कथन दिते गए हैं। कथन नंबर एक देखो, ये साल 2012 विच लागू किया गया सी। हाँ जी, 2012 विच ही लागू होया सी। ये कथन सही है। कथन नंबर दो, ये 18 साल तो घट उम्र के बच्चों से जिस्मी अपराधा नाल संबंधित है। ये भी कथन सही है। कथन नंबर तीन देखो, गृह मंत्रालय के ई बाक्स विच पोस्को दियां शिकायतां ऑनलाइन दर्ज कीतियां जा सकदियां हन। ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है नंबर ए, पहला ते दूजा कथन सही हन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किहड़े साल विच बच्चों के अधिकारों की घोषणा की। मनुखी अधिकार जो कि 1948 विच बनया सी। इस दे ऑप्शन हैं 1959, 1958, 1957 या 1956 विच। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा की सी जी 1959 विच। ऑप्शन इसका सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन आर्टिकल बच्चों की भलाई लिए विशेष कार्य करने लिए सरकार को अधिकार देता है। इस दे ऑप्शन हैं 15 का आर्टिकल 3, 14 का 3, 16 का 3 या 13 का 3। ये दिता है जी 15 का आर्टिकल 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बुनियादी अधिकार बच्चों पर लागू होंगे हैं, उन्होंने राज के किस आर्टिकल में बयाना गया है। इसके ऑप्शन हैं 13 तो 32, 14 तो 32, 15 तो 30 या 16 तो 30। ये बयाना गया है जी आर्टिकल 14 तो 32 तक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लेख के अनुसार 6 तो 14 साल के बच्चों
मुफ्त अते लाजमी सिक्ख्या प्रदान कीती जांदी है। ये कीती जांदी है जी आर्टिकल 45 दे अनुसार, नंबर 20 दा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीआरसी दा केड़ा अधिकार सारे बच्चों नूं रहण दा अधिकार प्रदान करता है? इस दे ऑप्शन हन बाल अधिकार, रोजी रोटी जां बचाली अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या विकास का अधिकार। ये अधिकार प्रदान करता है जी रोजी रोटी या बचा लई अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीआरसी का कौन सा अधिकार बच्चों को पहचान और कौमियत प्रदान करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, रोजी रोटी या बचा का अधिकार या बच्चों का अधिकार। इसका सही ऑप्शन है नंबर सी, रोजी रोटी या बचा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किहड़े अधिकार फैक्ट्रिया और कंपनियों के प्रबंधकों को मापियां दी मीटिंगां करन अते बाल मजदूरी की मनाही एक्ट बारे जानकारी देने लई निर्देश देंदे हन? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मनुखी अधिकार, बच्चे दे अधिकार, बचा अधिकार या रक्षा अधिकार। इसका सही ऑप्शन है नंबर बी, बच्चे दे अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस उम्र तो घट साल का कोई बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता? इसके ऑप्शन हैं, 14 साल तो घट, 10 साल तो घट, 20 साल तो घट या 3 साल तो घट। इसकी उम्र सीमा है जी 14 साल तो घट, तो उम्र का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार द्वारा बाल मजदूरी रोकू एक्ट विच कदों शोध की गई? इसके ऑप्शन हैं, सितंबर 2007, जनवरी 2002, अक्टूबर 2006 या अक्टूबर 2005। ये शोध की गई जी अक्टूबर 2006 विच। ऑप्शन इसका सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल लेबर की रोकथाम का अर्थ है? इसका सही आंसर है नंबर डी, ए सारे ने। ए ऑप्शन देखो, 14 साल तो घट उम्र के बच्चे ते ढाबे ते काम करने की पाबंदी लगाई गई है। ऑप्शन बी, 14 साल तो घट उम्र के बच्चे ते रेस्टोरेंट में काम करने की पाबंदी है। ऑप्शन सी, 14 साल तो घट उम्र के बच्चे नू चाह की दुकान में काम करने की पाबंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल ब्याह की मनाही एक्ट कदों पास किया गया सी? इसके चार ऑप्शन हैं, 2006 विच, 2009 विच, 2008 विच। ये पास किया गया सी जी 2006 दे विच। ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केड़ा आर्टिकल मनुखी सलूक अते अपमान विच बेरहमी तो आजाद करवाउंदा है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 या आर्टिकल 37। ये करवाउंदा है जी आर्टिकल 37। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़ा आर्टिकल बदसलूकी के विरुद्ध इलाज का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37 या आर्टिकल 39। ए है जी आर्टिकल 39, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केड़ा आर्टिकल उन्हां बच्चों के अधिकारों बारे दसदा है जिन्हां ते अपराधिक व्यवहार का दोष है? इसके ऑप्शन हैं, आर्टिकल 41, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 38। ये आर्टिकल है ये 40।
ऑप्शन सी इस दा सही आंसर है। सो दोस्तों ये सी अज दे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इन्हां नूं चंगी तरह रीड आउट कर लेना, वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच।